आपने आई स्ट्राइक की प्रॉब्लम तो लोगों में डेफिनेटली देखी होगी। ऐसे आईलिड पर पिंपल हो जाता है। इसके पीछे की साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो ध्यान से समझो। ये हमारी आईलिड है जिसमें तीन तरह के ग्लैंड्स मौजूद हैं। पहला है ये ग्लैंड ऑफ ज़ेइस जो आईलैशेस को नरिश करने के लिए ऑयल सिक्रीट करता है। दूसरा है ये ग्लैंड ऑफ मोल जो स्वेट ग्लैंड है। और तीसरा है ये मायोबियन ग्लैंड जो मीबम सिक्रीट कर आंखों की टीयर फिल्म को बचाए रखता है। कभी कभी गंदगी, डेड सेल्स या बैक्टीरिया जैसे स्टेफलोकोकस इन ग्लैंड्स में ट्रैप हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इनसे फाइट करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है। फाइट के दौरान कुछ डेड वेस्ट इकट्ठा होकर पस बनता है और हमारी आंखों में कुछ इस तरह स्टाई बनता है। दोस्त इसे गलती से भी फोड़ने की कोशिश या कोई और छेड़खानी ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी आंख में फैलकर नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि आपको अंधा भी कर सकता है। इससे बचने के लिए आंखों को छूने से पहले हाथ धोएं, समय समय पर आंख साफ करें, सोने से पहले मेकअप हटाएं और मेकअप हर 6 महीने में चेक करें। आप इसे ठीक करने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे यूज करते हो कमेंट करो।